टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, चांद नगर में एक सरकारी राशन की दुकान में कीड़ों वाला राशन जो बेहद ही बदबूदार था। कल खबर चलाने के बाद आज फिर इस दुकानदार ने दुकान खोला और वही बदबूदार सड़ा हुआ गेहूं लोगों को दे रहा था, जिस पर महिलाएं आज फिर भड़क गईं और दुकानदार फारूक अल्लाह रखा के खिलाफ ये शिकायत करने लगी, इनका लाइसेंस रद्द करने की मांग करने लगी। महिलाएं आज फारूक अल्लाह रखा के खिलाफ मेक कंपनी स्थित राशनिंग ऑफिस में अधिकारी रत्नदीप तांबे से लिखित में शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। फारूक अल्लाह रखा पर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि फारूक कीड़ों वाला बदबूदार राशन देता है और शिकायत करने पर उल्टा जवाब देता है कि कहीं भी जाकर शिकायत कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, इसीलिए फारूक अल्लाह रखा को किसी का डर नहीं है। उसका साफ कहना है कि कहीं भी जाओ और शिकायत करो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर राशनिंग ऑफिसर रत्नदीप तांबे ने बताया है कि दुकानदार फारूक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी अधिकारी की मिलीभगत नहीं है। लिखित में उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और इस दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा है राशनिंग ऑफिसर रत्नदीप तांबे और इन महिलाओं ने शिकायत में क्या मांग की है, सुनिए। फारूक भाई का जो मामला सामने आया है, जिस तरह से वो खराब राशन, कीड़े हैं उसमें बदबू आ रही है, तो तमाम इसकी शिकायतें आ रही है, तो इस पर आप लोगों की तरफ से, राशनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से क्या उस दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी? देखो अभी है ना, 2 बजे, 2:05, 10 हो गया, अभी 10 मिनट के पहले मैंने 2:10 के समय में आपके चांद नगर की पब्लिक आई थी, उन्होंने लिखित में उसके बारे में कंप्लेंट दी थी। उसके बारे में हमने उनको, जो कौशल मैडम थी, उसको बताया कि हम सोमवार से वो दुकान में इंस्पेक्शन लेके जो शिकायत है वो उसका कार्रवाई करेंगे, और जो खराब माल है उसके बारे में हमने बोला उसको, वो खराब माल बाजू में रखो, दूसरा माल दो और खराब दुकान को अपन ट्रांसफर करके इसके बारे में अपन चालू करना है। ऐसी भी जानकारी आ रही सामने कि फारूक का कहना है कि आप किसी भी राशनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिलो, किसी से भी जाकर शिकायत करो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ऐसे ही जो है अनाज दूंगा, जैसे आता है ऐसे ही खराब अनाज दूंगा। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का नाम भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो क्या आप लोगों की मिली भगत है इसमें जो राशन इस तरह का दिया जा रहा है, क्योंकि उसके दिल में जरा सा भी डर नहीं है, तो क्यों इस तरह की बात वो कह रहा है, जो महिलाएं बता रही है कि ऐसा बात वो कह रहा है, और महिलाओं से भी कह रहा है कि अनाज आपको नहीं खाना है तो कबूतरों को खिला दो। जो आपने अभी जो बोला वही आपने वो अर्जी में लिखित लाइन है, अर्जी का जो अर्जी लिया उसमें सब आपने जो प्रॉब्लम जो पॉइंट है उसमें है, उसके बारे में हमने बोला उनको कि सोमवार से चालू करेंगे, और उसमें जो होता है चोरों की जो तो आते हैं अलग करते हैं, जो चोर होते हैं उसके बारे में ऐसा आपने बोला होगा कि हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी उसके शामिल है, गलत है। आप सोमवार से बाद आपको उसके ऊपर दुकान में एक्शन नहीं कह रहे, अरे वो जो आपसे मैंने अभी जो सुना है बता रहे कि वो कह रहे हैं, तो आपसे सुना है मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो अभी आपने आखिर आप लोगों का भी डर उसके दिल में नहीं है, तो उसके बारे में आप देखेंगे ना सोमवार से जो अर्जी लिखित है एलएम, अभी हमारे पास जो अर्जी लिखित है उसके ऊपर एक्शन करते, किस तरह की कार्रवाई जो अभी वो अभी देखो, हम अभी वो दुकान में गए नहीं है, उससे बात नहीं की, पब्लिक से वो जो है उनके बात से उन लोगों को बुला के हम लोग सबको बुला के आप करेंगे। आप लोग शहर में जो है सर दुकानों का सर्वे वगैरह भी करते हैं कि कौन सी दुकान में कैसा राशन दिया जा रहा है, और फारूक भाई के दुकान से सिर्फ बात सामने आ रही है कि 3 ही दिन राशन दिया जा रहा है, अगर 3 दिन के अंदर आप राशन नहीं लिए तो उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। ये अभी जो लिखित में आईला है जो जो कुछ महिला बोले उसको अभी मालूम हो गया है, तो हम अभी उसको लिखित में जब समझे उसको कुछ होएगा तो हम लोग जो इसके बारे में बड़े ऑफिस में हम लोग उसकी कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई के लिए लेटर भेज देंगे। आज जो राशन वाला है फारूक अल्लाह रखा उसके खिलाफ आज आप लोग जो है यहाँ पर राशनिंग डिपार्टमेंट पे कुछ तकरार देने के लिए आए थे, आप लोगों ने दिया उनको क्या कार्रवाई की, क्या मांग की? हम लोग ने ये मांग की कि वो दुकान बंद होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कल भी वैसे ही राशन बांटने के बाद आज फिर सुबह 8 बजे से वही कीड़े वाला गेहूँ लोगों को बांट रहा था। जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया तो मैं वहाँ गई,
और मैं बोली भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, उतने में पुलिस भी आई और पुलिस ने उनको पकड़ कर लेके गई। अब हम लोग सब मिलकर राशनिंग डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दिए, जैसा कि वो दुकान वाले को या तो चेंज करो या उसको सील लगाओ वो दुकान को, हमें वो बंदा ही नहीं चाहिए जो पब्लिक से भी अच्छी बात नहीं करता, सब औरत लोगों को गाली गलौज से बात करता है, तो ऐसे बंदा कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसको, उसकी दुकान सील होना ही चाहिए सर, इतना कीड़े वाला और इतना गंदा बास वाला राशन, और हमेशा वो ऐसे ही देता है, हर पब्लिक की शिकायत है, आप चाहो किसी से भी पूछ लो, दुकान बंद ही रखता है और दुकान हमेशा बंद रखता है, आज नेट नहीं चल रहा है, कल आओ आज आओ, और ये सब परेशानी से लोग उससे आज से नहीं आज 10 साल से लोग परेशान है उससे, और आज वो सब लेडीज आज सब एक साथ हम लोग उतरे क्या क्या उतर के हम लोग बोले कि नहीं आज कुछ ना कुछ करना है, तो अभी अभी हम लोग सबको एप्लीकेशन दिए ये राशनिंग ऑफिस पे। अभी एक मेरे को बात बताओ कि हम लोगों को एप्लीकेशन देके अभी सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ है और आधा घंटा में उसको फ़ोन भी आ गया और वो ऑफिस पे पहुंच भी गया, तो अभी आप लोग भी समझ सकते हो कि ये प्रोसीजर कितना होगा और कितना नहीं होगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो औरतें लॉकडाउन से लेके अभी तक परेशान है, ना उनको लॉकडाउन में ना फारूक यहाँ से राशन मिला है, ना अभी उनको प्रॉपर राशन मिल रहा है, इनको पूरे चांद नगर की कंप्लेंट रही है, तो उसके ऊपर ऐसा एक्शन लो, या तो उसको सील करो या तो उसका लाइसेंस जब्त करो और उस दुकान पे किसी और को करके इनका जो गरीब लोगों का राशन है उनको प्रॉपर मिले, जिनकी कोई तकलीफें नहीं हो, जो बेचारे अपना उसी से गुजारा करते हैं। आपकी सीधी मांग है इनका लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस कैंसिल करो, उनका लाइसेंस ही कैंसिल करो बस।